नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्धारित तिथियों से पहले चुनावी सभाओं के दौरान अपने नेताओं को सुनने के लिए जमा हो रहे लोगों की तादाद ने कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ने का संकेत देकर विशेषज्ञों की नींद हराम कर दी है। वजह है मास्क का उपयोग नहीं करना और भीड़ द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह अनदेखी करना। दिवंगत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज श्राद्ध क्रम है। इसमें शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार समेत कई नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पैतृक घर शहर बनने पर आज तथा पटना आवास पर मंगलवार को श्राद्ध क्रम होगा। राजद पर आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार में फिर लाल आतंक का राज लौटाना चाहता है राजद, तभी तो वामपंथियों को 28 सीटें दी गई हैं। भाजपा ने पार्टी विरोधी कार्य में गतिविधियों के आरोप में 3 नेताओं को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया है। निकाले गए नेताओं में शशि भूषण सिंह, अर्जुन राम तथा राणा सुधीर सिंह शामिल है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो सके इस कारण पटना के खूंखार 15 कैदियों को अन्य जिला जेल में स्थानांतरित किया गया है। साथ ही 26,000 पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। राजद के वरीय नेता शिवानंद तिवारी ने अपने बयान में कहा है कि बिहार में मजदूर, नौजवान, किसान सभी बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भरोसा जताया है कि बिहार की जनता फिर से राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एनडीए सरकार के प्रति जनता का रुझान बढ़ा है। विभिन्न स्टेशनों से पूजा के लिए 14 स्पेशल ट्रेनें चलेगी। 30 नवंबर तक के लिए यह व्यवस्था दानापुर रेल मंडल में रहेगी, इसलिए पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र स्टेशन को चुना गया है। पटना जिला में कोरोना के 316 नए मरीज मिलने की सूचना है। इस संक्रमण से 8 लोगों के मौत हो जाने की भी खबर है। आज नवरात्रि का 3रा दिन है। मां चंद्रघंटा की पूजा की गई है। लोगों ने अपने घरों में ही विधि विधान से पूजा की। नवरात्र को लेकर बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।